नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम इमेज टूल बार के बारे में सीखने वाले हैं। इमेज टूल बार जो है वो लिब्रे ऑफिस में एक टूल बार है, और इस टूल बार का हम यूज़ कैसे करते हैं या इमेज टूल बार पर हमें किस किस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं और इमेज टूल बार को कब यूज़ किया जाता है। तो आज का जो वीडियो है हमारा ये सिंपल है, हम पूरा का पूरा जो है वो इमेज टूल बार को यूज करके देखेंगे कि इमेज टूल बार को जो है वो कैसे यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इमेज टूल बार जो है वो आपको व्यू मेन्यू के अंदर जो टूल बार ऑप्शन है इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इमेज, बट अगर आप अभी इमेज फिर अब टूल बार पर अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ इमेज टूल बार को लाना चाहूँ, मैंने जैसे ही इमेज टूल बार पर क्लिक किया यहाँ पे कुछ टूल बार तो एक्स्ट्रा आ गई, बट इसके ऑप्शंस आपको तब तक हाईलाइट नहीं होंगे, तब तक आप इन पर काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप इमेज को लेंगे नहीं, क्योंकि टूल बार तभी यहाँ पे हाईलाइट होती है, तभी उसके ऑप्शन हाईलाइट होते हैं जब हम उस टाइप का वर्क कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी टूल बार को हटा देते हैं, या फिर आप हटाने से यहाँ पे अपनी टूल बार जो है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और टूल बार लेने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक लिख के रख लेते हैं, क्योंकि पिक्चर के साथ हम उन ऑप्शन को समझते जल्दी हैं। तो चलिए इस टॉपिक को मैं कर लेती हूँ कॉपी पेस्ट। चलिए आप पिक्चर को लेते हैं। पिक्चर लेने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, देखिए या तो आपके सामने स्टैंडर्ड टूल बार पर ये दिख रहा है ये इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट इमेज, आप इस पर क्लिक कर लो, या आप डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट वाले मेन्यू में जाके यहाँ पे यूज कर लो। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे इंसर्ट इमेज पे क्लिक किया। जैसे ही इमेज पे क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में जहाँ भी पिक्चर पड़ी हो उस पिक्चर को आप कर लीजिए सिलेक्टेड, जैसे मैंने पिक्चर सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। ओपन पे क्लिक करते ही देखिए क्या हुआ, हमारे सामने एक इमेज जो है उसका जितना साइज था ऑटोमेटिक वो यहाँ पे आ गया। अब आपको अगर पिक्चर बड़ी लग रही है, इसका साइज वगैरह छोटा करना है, तो आप क्या करना, आप यहाँ पे देखिए पिक्चर के साइड में आपको एक कॉर्नर दिखाई देगी ग्रीन पॉइंट से जो शो हो रहे हैं, यहाँ पे बीच में भी शो होगा और ये लास्ट में भी होंगे। तो आपको अगर पिक्चर का साइज छोटा करना है आप अपने माउस का कर्सर यहाँ लेके जाइए, इस पॉइंट पर आप जैसे रखेंगे देखिए कर्सर आपका जो है वो चेंज हो गया, एक एरो टाइप का आने लगा। जब ये साइन आने लगे उस टाइम आपको अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है, उसको तब तक दबाए रखना है और इसको यहाँ पे इस तरीके से खींचते हुए लेके जाना है, उस माउस के बटन को दबाकर ही रखना है जब तक आप उसका साइज फिक्स नहीं कर लेते। तो अगर आप इतना साइज रखना चाहो तो वहां पे जाके आप इसको माउस को छोड़ दो। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी पिक्चर जो है उसका साइज छोटा हो गया। अब यहाँ पे पिक्चर और टॉपिक मैंने यहाँ क्यों रखा है, पिक्चर भी रखी है कुछ लिखा भी है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी टूल बार में कुछ ऑप्शन को समझने वाले हैं। तो देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे पिक्चर ली आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग टूल बार थी वो चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सी आ गई, अब आ गई इमेज टूल बार, क्योंकि हम इमेज पर काम करने वाले हैं, पिक्चर पे काम करने वाले हैं। तो चलिए एक ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, जब आप इस पर कर्सर रखते हैं यहाँ दिखाता है रैप ऑफ। रैप क्या चीज है, रैप का मतलब यहाँ पे ये देखिए, जैसे जब मैं पिक्चर यहाँ रख रही हूँ तो टॉपिक जो है वो आराम से एडजस्ट हो रहा है, अगर मैं ऊपर रखती हूँ तो टॉपिक एक साथ रहता है। रैप अगर मैं यहाँ ऑफ कर दूं तो देखिए कैसे आपकी पिक्चर आएगी इस तरीके से, यानी कि पिक्चर और टॉपिक जो अलग अलग भागेगा। यहाँ पे देखिए मैं ऊपर रख रही हूँ तो टॉपिक नीचे आ रहा है, नीचे रख रही हूँ तो ऊपर जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि पिक्चर भी यहाँ पे दिखती रहे, मुझे टेक्स्ट भी दिखता रहे, उसके लिए यहाँ पे हमें रैप के अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। जैसे ये दिया गया है पेज रैप, अगर आप पेज रैप पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपकी पिक्चर भी आपको एक साथ दिखाई देगी और आपका टेक्स्ट भी दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल स्क्वायर में रखा है, अगर आप और छोटी पिक्चर कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पिक्चर भी आराम से दिख रही है और टेक्स्ट भी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मिलता है ऑप्टिमल पेज ब्रेथ। अगर आप यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए टॉपिक कैसे जा रहा है एक तरफ से, यानी कि या तो राइट में रहेगा या लेफ्ट में रहेगा इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से शो कर रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट छूटा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे दिए गए रैप थ्रो, तो रैप थ्रो में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए रैप थ्रो पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो जिस जगह पर मेरी पिक्चर रखी है उसके पीछे का कंटेंट मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ पे टॉपिक नहीं दिख रहा। अब ये क्या हो रहा है, या तो पिक्चर ही दिखेगी आपकी, टॉपिक आपको उस जगह का नहीं दिखेगा। तो आप जब पिक्चर और टॉपिक एक साथ देखना चाहो तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे अपने जो आपकी पिक्चर है उसका यहाँ पे पेज रैप कर लो। तो पेज रैप में क्या होगा, आप यहाँ पे पिक्चर का साइज कितना भी बड़ा है कितना छोटा करेंगे आपको आपकी पिक्चर भी दिखाई देगी और टॉपिक भी दिखाई देगा, इस तरीके दोनों चीजें आपको एक साथ दिखाई देंगी। तो ये क्या है, ये यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है कि पेज पर पिक्चर भी कैसे दिखाई दे और टॉपिक भी कैसे दिखाई दे। इसके बाद आपको आगे ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट, मतलब आपके पेज पर जो पिक्चर है वो कहाँ पर आपको चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, यहाँ पे आपको सेंटर में चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे राइट में चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक कर दूँ तो मेरी पिक्चर कहाँ पहुँच गई, बिल्कुल टॉप पेज के लेफ्ट साइड पे। अगर आप यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं तो टॉप में ही बीच में है यहाँ पे, यानी कि पेज के बीचों बीच आ रही है।
और अगर मैं राइट करूँ तो मेरी पिक्चर राइट साइड पर हो जाएगी पेज की। तो ये क्या, ये पेज पर मूव हो रही है कि किस तरीके से आपको पिक्चर लेनी है, कहाँ पे रखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पे मिलेगा फॉरवर्ड वन, और यहाँ पे होगा बैक वन। ये तीनों ही ऑप्शंस का लगभग काम एक जैसा होता है। अब आप यहाँ पे अगर ऐसे ही यूज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या काम कर रहा है। हम एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पे होता क्या है कि आपको दो पिक्चर या दो शेप आपने दे रखे हैं, तो आपको किसी भी एक शेप को आगे देखना हो, पहले फ्रंट में देखना हो, तो उनके लिए उन ऑप्शंस को यूज करते हैं। अब ये देखने के लिए पहले पिक्चर हमें रखनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम गई इंसर्ट पे और हमने जो है एक और इमेज ऐड करा दी। दो इमेज हमारे पास ऐड हो गई, चलिए इसका साइज भी हमने रख लेते हैं। और मैंने किया कि मैंने उसी पिक्चर के ऊपर उसको रख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जो पिक्चर मैंने बाद में रखी थी वो पिक्चर दिख रही है, पीछे वाली नहीं दिख रही है। अब इन्हीं ऑप्शन के लिए हम इनका यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ मुझे ये वाली पिक्चर नहीं देखनी, जो बैक में पिक्चर है उसको मुझे फ्रंट में देखना है, तो आपको बस इतना करना है, आप उस पिक्चर पे पहले क्लिक कर लो, सिलेक्ट करके ये बताओ कि आपको वो पिक्चर जो फ्रंट में देखनी है। क्लिक किया, यहाँ पे देखिए, या तो आप ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड वन कर सकते हैं, या बैक वन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट किया, फ्रंट आ गई, और अगर आप यहाँ पे बैक वन करेंगे तो क्या होगा, पीछे चली जाएगी। बैक का मतलब है पीछे, और यहाँ पे फ्रंट का मतलब है आगे। तो देखिए, आपको जिस पिक्चर को आगे पीछे करना हो वो आप इधर से आराम से कर सकते हो। तो ये क्या है, ये इन ऑप्शंस का यूज होता है। आपको नेक्स्ट मिलता है सेंड टू बैक। अब जैसे यहाँ पे बैक टू वन है, वैसे ही सेंड टू बैक है। अगर इस पिक्चर को आप पीछे देखना चाहो तो आप यहाँ पे बैक सेंड टू बैक कर लो, यहाँ पे सेलेक्ट करके सेंड टू बैक कर लो, पीछे हो गई, फ्रंट लेके आना है ये नीचे। तो यहीं से क्या हो रहा है, हम आगे पीछे की तरफ कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है बॉर्डर। अगर मैं इस पिक्चर पे कोई बॉर्डर वगैरह लगाना चाहूँ, क्योंकि इस पर अभी तक कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, एक काम करते हैं, बॉर्डर पे गए, यहाँ पे जाके मैंने ये वाला बॉर्डर स्टाइल ले लिया। देखिए यहाँ पे हमारी पिक्चर में जो बॉर्डर है वो आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर ये दिखता है, अभी तक बॉर्डर नहीं था। अगर आप चाहते हो कि पिक्चर का जो बॉर्डर है उसका साइज वगैरह चाहते हैं, कि आपको अपने पिक्चर का बॉर्डर जो है वो अलग स्टाइल का लेना है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाए, यहाँ लिखा है बॉर्डर स्टाइल, यहाँ देखिए, अगर नहीं रहे तो नन कर दो आप। और अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे कई सारे दिए हैं, जैसे मैंने ये वाला लिया, ये देखिए मेरा बॉर्डर स्टाइल चेंज हो गया। अगर कलर चेंज करना हो, ब्लैक आ रहा है तो यहीं पर आपको मिलता है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ये देखिए बैकग्राउंड कलर में आकर मैं येलो करूँ तो क्या होगा। बैकग्राउंड कलर का काम है कि बॉर्डर के बीच में जो खाली जगह होती है उसको भरना। जैसे अगर मैं यहाँ पे कलर जो है वो कर दूँ नो फिर, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये कलर आ रहा है वाइट, लेकिन अगर आप कोई कलर लेना चाहो तो यहाँ पे आके आप कोई कलर फिल कर सकते हो। ये देखो पिक्चर के बीच, बॉर्डर के और पिक्चर के बीच में कलर फिल हो गया। तो यहाँ से आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड स्टाइल का समझ लिया आपने अच्छे से कि बैकग्राउंड स्टाइल कैसे काम कर रहा है, पिक्चर के बॉर्डर पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं, याद रखिएगा ये ऑप्शंस आपको तब तक शो नहीं होंगे जब तक आप यहाँ से इमेज बार को नहीं लेते। जैसे मान लेते हैं टूल बार्स पर आकर हमने यहाँ पे इमेज बार को नहीं ले रखा, तो आपको सिर्फ इतने ही ऑप्शंस इसके अंदर दिखाई देंगे। अगर आप चाहो कि मुझे अपनी पिक्चर को क्रॉप करना है, हटाना है, रोटेट करना है, उन ऑप्शंस के लिए आपको व्यू में जाकर टूल बार्स पे इमेज टूल बार को लाना पड़ेगा। इमेज पे क्लिक किया, ये देखिए आ रहा है। अब इनमें आपको जो है कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है फिल्टर। अगर आप अपनी पिक्चर पर कोई इफेक्ट वगैरह लगाना चाहो तो फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे फिल्टर पर आते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है इन्वर्ट। अब इन्वर्ट अगर आपको समझ में ना आए ऐसे, आप एक एक करके प्रैक्टिकल करके देख लें। जैसे इन्वर्ट पे आए तो यहाँ पे देखिए पिक्चर हमारी क्या हुई, पिक्चर चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या, ये इन्वर्ट है। इन्वर्ट के बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्मूथ। स्मूथ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने विंडो खुलेगी। इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप अपनी पिक्चर को कितना स्मूथ करना चाहते हैं, तो उसका साइज दे सकते हैं रेडियस में। अब देखिए जैसे ही मैंने किया, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं जो करती जा रही हूँ वो मुझे स्क्रीन में वहाँ प्रीव्यू में शो भी होता जा रहा है। देखिए अगर मैं ओके कर दूंगी, यहाँ पे क्या हुआ, जो पिक्चर हमने ले रखी थी या जो पिक्चर हमने ली वो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी फेड हो गई, ब्लर एक तरीके से हो गई। जो हमने पिक्चर ले रखी थी वो ब्लर हो गई, थोड़ी सी धुंधली दिख रही होगी आपको, यहाँ पे ये इफेक्ट है। इसके बाद फिल्टर में ही आपको यहाँ पे मिलता है शार्पन। शार्पन में क्या होता है कि आपकी जो पिक्चर है वो आपको थोड़ी सी क्लियर दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे शार्पनेस बढ़ाना बोलते हैं, शार्पन पे क्लिक किया, देखिए पिक्चर थोड़ी सी आपको क्लियर दिख रही है। आप प्रैक्टिकल करके देखें आपको समझ में आ जाएगा, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ शार्पन के बाद आपको यहाँ पे ये नेक्स्ट ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं सोलराइजेशन। सोलराइजेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप अपनी पिक्चर का स्टाइल चेंज करते जाएं, ये देखिए थोड़ा सा चेंज दिखाई दिया, तो इसको सोलराइजेशन बोलते हैं। इसके बाद फिल्टर में आपका अगला ऑप्शन है एंगिंग।
हैंगिंग में भी देखिए यही कुछ मिलेगा आपको, अगर मैं यहाँ से यूज करूँ तो मेरी पिक्चर इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये इनके नाम है और इस तरीके से ये काम करते हैं। स्टराइज में देखिए यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ तो ये देखिए इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के इफेक्ट है, यहाँ पे आपको मिलता है पॉप आर्ट, पॉप आर्ट में देखिए इस टाइप का आ रहा है। इनके अलावा आपको यहाँ पे क्या है, ये है चारकोल स्केच। अगर आप चारकोल स्केच बनाना चाहें तो स्केच टाइप का भी इसको दिखा सकते हैं किसी भी पिक्चर को। ये क्या है, ये रिलीफ है। रिलीफ में देखिए आप अपनी पिक्चर का चेंज कर सकते हैं। ये देखिए प्रीव्यू में दिख रहा है डिफरेंट, इस टाइप का हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है। इनके बाद यहाँ पे आपको मिलता है मोजैक, मोजैक में भी वही है। ये देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको अपनी पिक्चर डिफरेंट दिखेगी। देखिए यहाँ पे है। तो ये क्या है, ये सारे हमारे इफेक्ट हैं जिसको यहाँ पे फिल्टर कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये है इमेज मोड। इमेज मोड का मतलब है कि इमेज का जो मोड है वो कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब है कलर वगैरह यहाँ दिखना चाहिए आपको। अगर आप कलर नहीं लेना चाहते हैं, ग्रे टाइप की पिक्चर होनी चाहिए, तो यहाँ ग्रे स्केल है। ये देखिए थोड़ा ग्रे स्केल में आ रहा है। अगर ग्रे स्केल के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आपको काला या सफ़ेद चाहिए तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट के बाद यहाँ पे आ रहा है वाटर मार्क। वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपकी थोड़ी सी आपको जो है वो कम दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, क्योंकि वाटर मार्क जो पिक्चर होती है वो क्लियरली नहीं होती है पूरी, वो इसी तरीके से होती है, हल्की सी फेड होती हुई दिखाई देती है। तो ये क्या है, ये अलग अलग इमेज के मोड हैं। इनके बाद आपको मिलता है क्रॉप। अगर आप अपनी पिक्चर को काटना चाहते हैं या पिक्चर में एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्या करो, क्रॉप पे क्लिक कर लो। देखो जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करते हैं, अब ये कॉर्नर सिलेक्टेड कलर से सिलेक्टेड हो गए। ये क्या है, यहाँ पे जब आप कर्सर रखेंगे तो अलग टाइप का साइन बन के आएगा। ये इसलिए है कि आपको जितनी पिक्चर काटनी है उतनी काट सकते हैं। करेंगे कैसे, आप अपने माउस का कर्सर वहाँ पे लेके जाएं, लेफ्ट क्लिक को दबाएं और जितना आपको पार्ट हटाना है उस पर लेके जाएं। जैसे मुझे इतना पार्ट हटाना है, यहाँ से हट गया, ऊपर आए, ऊपर वाले एरिया में भी मैं हटाना चाहूँ। ये देखिए मैंने कहा मुझे लेफ्ट से भी हटाना है। ये देखिए आपकी पिक्चर कितनी बची, सिर्फ इतनी बची। तो इसको कहते हैं क्रॉप करना। क्रॉप के बाद यहाँ पे आपको मिलता है फ्लिप वर्टिकली, अगर आप इसको चेंज करना चाहें। ये देखिए वर्टिकल में ऊपर और नीचे की तरफ पूरी पिक्चर, यहाँ पे दिया है हॉरिजॉन्टली, अगर आप इसको लेफ्ट राइट करना चाहें तो ये देखिए पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये रोटेट, अगर आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहें अप एंड डाउन पे, ये देखिए अप एंड डाउन टॉप लेफ्ट, तो यहाँ पे ये मिलता है आपको रोटेट 90 डिग्री, और लेफ्ट है और ये 90 डिग्री राइट है। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी पिक्चर का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि पिक्चर जो है वो आप उसको कितनी ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं अपनी पिक्चर को ये देखिए साइज बढ़ाती हूँ, देखिए आपको पिक्चर में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, पिक्चर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। तो यहाँ से आप पिक्चर में वो चीज चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है ट्रांसपेरेंसी के बाद आपको जो है वो ऑप्शन मिलता है कलर का। यहाँ पे कलर क्या है, कलर तो मैं जैसे अभी मुझे मेरी पिक्चर ब्लू दिख रही है पूरी, अगर आप इसको रेड करना चाहें, देखिए रेड कलर आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, और ये गामा है, अलग अलग टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे रेड करना चाहूँगी पिक्चर को, देखिए पिक्चर में आपको रेडनेस दिखाई दे रही है, चेंज हो रही है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे पिक्चर को रेड नहीं दिखाना है, अगर आप अपनी पिक्चर को रेड नहीं दिखाना चाहते हैं तो इधर पे ये 4 हटाइए, 0 करिए, ग्रीन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन में आप जैसे ही बुलाएंगे ग्रीन हो गई। अगर मैं ग्रीन भी ना करना चाहूँ, मैंने कहा यहाँ पे मुझे अपनी पिक्चर को जो है वो ग्रीन नहीं करना, ब्लू कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्लू में आप जैसे बढ़ाते रहेंगे ब्लू। तो ये चीज़ें हैं। उनके अलावा यहाँ ब्राइटनेस है, अगर आपकी पिक्चर थोड़ी सी डार्क मोड पे तो आप उसको ब्राइट कर सकते हैं, देखिए ब्राइट हो रही है। ये क्या है, कंट्रास्ट, मतलब थोड़ी सी डार्क की तरफ लेके जाना। तो ये देखिए आप जैसे ही इसका कंट्रास्ट बढ़ाएंगे आपको पिक्चर जो है वो थोड़ी सी ब्लैक पे जा रही है, ये देखिए थोड़ी सी ब्लैक टाइप की होती जा रही है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लिक कर सकते हैं। ये गामा है, गामा में देखिए आप चेंज करके देखिए, आपको इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देगा। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के इमेज के इफेक्ट हैं। राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर पिक्चर वगैरह को इंसर्ट कराते हैं तो इन ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है हमें। हमें इफेक्ट लगाना होता है, पिक्चर को क्रॉप करना होता है, या पिक्चर का बॉर्डर वगैरह सेट करना होता है, रैप वगैरह यूज करते हैं। तो ये सारे जो हैं ये ऑप्शन हमें मिलते हैं इमेज, तो ये सारे ऑप्शन जो है हमें इमेज टूल बार पर मिलते हैं। और यहाँ पे इमेज टूल बार का यूज करके जो है वो अपनी पिक्चर को थोड़ा अट्रैक्टिव कर सकते हैं और इन टूल्स का जो है वो अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो है इमेज टूल बार के बारे में सीखा। अब आप सभी इन ऑप्शंस को जो है वो अच्छे से यूज करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए कि इमेज टूल बार जो है वो परफेक्टली काम कर रही है नहीं कर रही है इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऑप्शंस की बात करेंगे, तब तक आप इन सारे टूल्स को जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उनका रिविजन करिए।